गैस बेंटन के शो में कईयों ऐसे एलियंस हैं जो कि अदर शो के कैरेक्टर्स के जैसे दिखते हैं, और मैं किसी अदर शो की नहीं मार्वल की ये बात कर रहा हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग ऐसी फाइव एलियन के बारे में जानेंगे जो कि मार्वल के कैरेक्टर्स के जैसे दिखते हैं। यहाँ मैं मार्वल के कैरेक्टर बोल रहा हूँ, फिर चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव। सो यार विदाउट टू सेनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आज भी वीडियो में बेंटन क्विज होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और पिछले क्विज के विनर्स हैं आप सब, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। एंड फ्रेंड्स आज भी वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आप देखते हो तो आपको क्विज भी पता चलेगा और उसका आंसर भी दे पाओगे मेरे को कमेंट में। अगर मैक्सिमम 5 to 6% के बीच में अगर आपका आंसर आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नेम इसी तरह से आएगा। एंड फिलहाल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। गाइस एक बात और बताना चाहूँगा, यार मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि कौन से कैरेक्टर्स किन के जैसे देखते हैं, यानी कि कौन से एलियन किन कैरेक्टर्स के जैसे देखते हैं मार्वल के। तो मैं इनमें आपको सभी पावर्स नहीं बताऊंगा उन कैरेक्टर्स की, ना ही एलियंस की, सिर्फ जो मेन मेन बातें हैं वही बताऊंगा। चलिए नंबर 5 से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर जो एलियन आता है उसका नेम है स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी जिस मार्वल कैरेक्टर्स की जैसे दिखता है उसका नेम है स्पाइडरमैन। जी हाँ यार स्पाइडरमैन जैसे दिखता है, हाँ पूरा नहीं नहीं कलर में, बट कुछ कुछ दिखता है उसी की तरह। इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा सेम है, दोनों पावरफुल वेव को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कोई भी फंस सकता है। बट वहीं स्पाइडरमैन बहुत लंबी लंबी बहुत ऊंचाई तक उनको क्रिएट कर सकता है, और स्पाइडर मंकी की स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एकदम मंकी जैसी है, और वो तेज़ी से छलांग भी लगा सकता है यानी कि हाई जंप भी लगा सकता है, ये बॉल को भी स्केल कर सकता है। और वहीं स्पाइडरमैन भी अपनी वेव से बहुत लंबी लंबी जंप भी लगा सकता है, यानी कि दोनों की पावर्स एबिलिटीज़ और भी कई तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सेम है। हाँ फेस सेम नहीं है बट इनकी जो पावर है स्पाइडर की वो बहुत ज़्यादा सेम है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इसी की तरह दिखता है या फिर इससे इंस्पायर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो नंबर 5 पर इसीलिए आता है स्पाइडर मंकी एंड स्पाइडरमैन। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर जो एलियन आता है उसका नेम है अल्टीमेट गेमेटर, इसको हम अल्टीमेट एल्बिडो भी बोलते हैं। और ये जिस मार्वल कैरेक्टर की तरह दिखता है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, यानी कि मार्वल का एक विलन है, और उसका नेम है मोडोक। मोडोक को भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बहुत पावरफुल विलन है मार्वल का। तो यार अब इन दोनों में क्या चीज़ सिमिलर है वो देख लेते हैं। यार देखो दोनों के पास फ्लाई करने की एबिलिटी है, दोनों की इंटेलिजेंसी बहुत हाई है, और दोनों के पास स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एजिलिटी भर भर की हैं। और भी कई तरह के पावर्स हैं अल्टीमेट गेमेटर एंड मोडोक के पास, जहां मोडोक के पास कई तरह के अंदरूनी और फिजिकल पावर्स भी हैं, और वहीं अल्टीमेट गेमेटर के पास भी इलेक्ट्रिकल अटैक हैं। और मोडोक भी एनर्जी को रिलीज़ कर सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और एक चीज़ और देखिए, जहाँ से ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज़ करता है एल्टीमेट गेमेटर, और वहीं से ही मोडोक, मतलब मोडोक भी अपने वहीं पार्ट से बॉडी पार्ट से एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो आप देख सकते हो इनकी कितनी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। एक तो इनका फेस भी हमेशा गुस्से में रहता है, इनका साइज़ भी सिमिलर है, और यार इनके अटैक भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, और इनकी फ्लाई करने की एबिलिटी भी। तो इसलिए नंबर 4 पर आते हैं एल्टीमेट गेमेटर एंड मोडोक। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर जो एलियन आता है उसका नेम है फ्रैंकनस्टाइन। फ्रैंकनस्टाइन नंबर 3 पर इसलिए आता है बिकॉज वो एक पावरफुल कैरेक्टर की तरह दिखता है मार्वल के, और उसका नेम है फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर। अब यार ये इसी की जैसा दिखता है, आप देख सकते हो दोनों के फेस को देखो, और चलो फेस नहीं तो नाम ही देख लो, एक का नाम है फ्रैंकनस्टाइन और एक का नाम है फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर। चलो नाम से भी नहीं मान रहे हो तो यार इनकी कुछ पावर्स को ही देख लेते हैं। यार फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी एंड सुपर ह्यूमन स्टेमिना एंड एजिलिटी डेक्सटेरिटी जैसी पावर्स हैं, जिनसे वो कई लोगों को आराम से मार सकता है। इसके बाद रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर की भी पावर है, और भी कई तरह की पावर्स हैं फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर के पास। ये एक मॉन्स्टर की जितनी पावर्स होती हैं उतनी सभी पावर्स हैं फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर के पास। तो अब जान लेते हैं फ्रैंकनस्टाइन के बारे में। यार फ्रैंकनस्टाइन के पास इलेक्ट्रिकल अटैक है, इसके पास भी इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एटी जैसी एबिलिटीज हैं, और स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, ये भी हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर एंड फ्रैंकनस्टाइन के कितनी चीज़ें सिमिलर हैं, इनका नेम, इनका फेस, इनकी बहुत सी पावर्स एंड एबिलिटीज। तो यार ये बहुत ही हद तक सिमिलर हैं एक दूसरे से, यानी कि ये एक दूसरे से मैच करते हैं, और इसीलिए इस लिस्ट में नंबर 3 पर हैं। और क्या, अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर जो एलियन आता है उसका नेम है रैथ। रैथ जिसकी तरह दिखता है उसको तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, वो है वॉल्वरीन। जी हाँ यार वॉल्वरीन। अब इनको भी देख लेते हैं, यार इनके पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एटी, स्टेमिना एंड डेक्सटेरिटी, ये वॉल्वरीन के बारे में बता रहा हूँ। इसके पास हैंड्स में देख सकते हो शार्प ब्लेड्स भी हैं। वहीं बात की जाए अगर रैथ की, तो रैथ का भी फेस इससे बहुत ज़्यादा सेम दिखता है, और रैथ के पास शार्प क्लॉज, शार्प टीथ हैं, एंड उसका भी गुस्सा बहुत हाई है। इधर वॉल्वरीन का भी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा हाई है, और यार रैथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पावरफुल है, वहीं वॉल्वरीन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। रैथ की भी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कह सकते हैं इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी जैसी एबिलिटीज़।
और भी कई तरह की चीज़ें हैं सिमिलर इन दोनों में, रैथ एंड वोल्वरैन में। सबसे बड़ी चीज़ यार इनके पास शार्प क्लॉस एंड शार्प ब्लेड्स हैं, तो आप सोच सकते हो यार यही चीज़ सेम मिल रही है तो फिर और क्या चाहिए, है ना, और क्या चाहिए दीपिका। और इसलिए नंबर टू पर आता है हमारा रैथ एंड वोल्वरैन। सो फाइनली बात कर लेते हैं नंबर वन पर जो कैरेक्टर आता है, बट उससे पहले क्विज टाइम। एंड आज का क्विज ये है कि आप बेंटन के जिस कैरेक्टर को भी स्क्रीन पर देख पा रहे हो आपको उसका नेम बताना है। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कौन है यार। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है बेंटन का, बस इतना हिंट दे दिया बहुत है। अब चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट नंबर वन पर चलते हैं। यार नंबर वन पर जो आता है एलियन बेंटन का, उसका नेम है डायमंड हेड। डायमंड हेड जिस मार्वल कैरेक्टर की तरफ देखता है उसका नेम है कोलोसस। जी हाँ यार, कोलोसस की तरफ दिखता है हमारा डायमंड है। दोनों का कलर भी बहुत ज्यादा सेम है, हाँ डार्क है और किसी का लाइट है, बट है बहुत ज्यादा सेम इनका कलर। बट मैं आपको कलर से बिलीव नहीं दिलाऊंगा यार, इनकी पावर्स को देख लो, इनकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्टेमिना एंड डेक्सटेरिटी कितनी ज्यादा हाई है। ये लोग कितने पर्सन को अकेले हराने की पावर रखते हैं, इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है। इसलिए यार ये दोनों भी बहुत ज्यादा सिमिलर है, डायमंड हेड एंड कोलोसस। और यार अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। एंड आज की लिस्ट यही थी इन पांच एलियन एंड पांच मार्वल के कैरेक्टर की, बहुत ही तो पावरफुल हैं कैरेक्टर्स भी मार्वल के एंड बेंटन के एलियंस। और यार लिस्ट पसंद आई तो इमशो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कमेंट कर बताना कि आपको पार्ट टू चाहिए या फिर नहीं। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।